तो हमने बेटा पिछली बार वी हैड स्टार्टेड विद एल्गी, ठीक है? और एल्गी में हमने ग्रीन एल्गी के बारे में किया, थ्री ग्रुप्स हमने करने हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी वी हैड फिनिश्ड लास्ट टाइम। ब्राउन एल्गी के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, दैट ब्राउन एल्गी, ऑल ब्राउन एल्गी आर मरीन, दे आर मेनली मरीन बट फ्यू आर फ्रेश वॉटर ऑल्सो, राइट? उसके बाद ब्राउन एल्गी जो है, देयर आर नो यूनिसेलुलर ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी सब बड़ी बड़ी है, ठीक है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कार्तिक। तो आई थिंक कि जो बच्चे पिछली बार, कईयों का नेट कनेक्शन वीक था, कुछ नहीं आए थे, तो मैंने उनको रिकॉर्डिंग भेज दी थी, एंड आई होप कि आप सबने देख ली होगी, राइट? यस मैम। चलिए, एंड इट्स गुड टू अटेंड द क्लास। बार बार रिकॉर्डिंग देखो करो, मजा ही नहीं आता, और रिकॉर्डिंग में बैठना बड़ा मुश्किल होता है बेटा, ठीक है? इसलिए कोशिश करो कि आओ जरूर, और अपना नेट कनेक्शन या नेट पैक बचा के रखो ताकि आपका चलता रहे, ठीक है? और अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है तो उसको अपने इन्वर्टर से कनेक्ट करवाओ, ताकि अगर लाइट चली जाए तो वो इन्वर्टर से कनेक्ट होके आप कनेक्ट कर सको, ठीक है ना? एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बेटा। मैम 11th के पेपर भी मई में होंगे? नहीं बेटा, 11th के पेपर तो आपके स्कूल पे ही डिपेंड होंगे, एंड आई होप कि दे विल अकर इन, आई थिंक दे विल हैपन इन मार्च, ठीक है? जिन कुछ लोगों के फरवरी में होते हैं, फरवरी में ना होके मार्च में हो जाएंगे, ओके? ठीक है। सो वी हैड डन ग्रीन एल्गी। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा होगा वो जरूर देख लें, क्योंकि मैंने अपलोड भी कर दिया था और आपको लिंक भी भेज दिया था। और हमने ब्राउन एल्गी के बारे में करना है। ब्राउन एल्गी, आई हैड जस्ट टोल्ड यू, ऑल ब्राउन एल्गी आर मरीन एक्सेप्ट फ्यू फॉर्म्स। बायोलॉजी में एक्सेप्शन हर जगह है। हैरिटेरा, हैरिबोर्डिनेला, दे आर फ्रेश वॉटर ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो है, दे आर लार्ज इन साइज, देयर इज नो स्मॉल ब्राउन एल्गी, देयर इज नो यूनिसेलुलर, यू कैन से देयर इज नो यूनिसेलुलर ब्राउन एल्गी, ऑल ब्राउन एल्गी आर मल्टी सेलुलर। द वेरी लार्ज फॉर्म्स ऑफ ब्राउन एल्गी, जो बहुत बड़ी बड़ी है, अप टू 100 meters तक उनकी हाइट है, उन ब्राउन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, सी कैल्प्स बोल देते हैं। तो ब्राउन एल्गी में भी थैलॉयड और फिलामेंट है, ठीक है? वो लीफ लाइक थैलॉयड स्ट्रक्चर है या फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जनरली ब्रांच्ड है, राइट? उसके बाद पहले सुनोगे फिर लिखोगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से है ब्राउन एल्गी में? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, और एक ज़ेंथोफिल है, फ्यूकोज़ेंथिन। जो ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन है वो फ्यूकोज़ेंथिन के कारण है, ठीक है? सो कलर ऑफ बी ए मतलब ब्राउन एल्गी, इट रेंजेस फ्रॉम ओलिव ग्रीन, ओलिव्स आपने देखे हैं, उसके ग्रीन कलर जो है उससे डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन कलर, डिफरेंट डिफरेंट है। कोई ब्राउन एल्गी ओलिव ग्रीन है, कोई लाइट ब्राउन है, कोई इससे डार्क ब्राउन है, कोई कॉफी कलर की है, कोई बहुत डार्क ब्राउन है, ठीक है? ये किस पे बेस करता है? बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ फ्यूकोज़ेंथिन प्रेजेंट। कितना फ्यूकोज़ेंथिन है, ज्यादा होगा तो डार्क ब्राउन में जाएगा, ठीक? स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड सिंपल स्टार्च नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, या फिर शुगर एल्कोहल है। मेनोस प्लस एल्कोहल जब जुड़ जाता है तो बन जाता है मैनिटोल, और मैनिटोल का एक और क्या नाम है, लेमिनेरिन, और इसी को लेमिनेरियन स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है? मैनिटोल, इट इज मेनोस जॉइंड विद एल्कोहल, इट इज मैनिटोल। देन जो सेल वॉल है ब्राउन एल्गी के, जो सेल्स है, ईच सेल इट इज कवर्ड बाय ए सेल वॉल, एंड सेल वॉल इज सेलुलोसिक विच इज कवर्ड बाय, सेल वॉल के बाहर एक जिलेटिनस शीट है, स्टिकी सी म्यूसिलेजिनस शीट है, किसकी बनी हुई है, एल्जिन की। और इसका फंक्शन क्या है, एल्जिन जो है ब्राउन एल्गी को मैकेनिकल इंजरी से मिलाता है। जैसे बहुत तेज वेव्स आ रही है तो ब्राउन एल्गी कटती पटती नहीं है, क्योंकि उसके पास में क्या है, एल्जिन की शीट है, ठीक है जी? उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस अंदर का जितना मैटर है दैट इज प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट में क्या है, सेंटर में डिस्टिंक्ट वैक्यूल है, देन देयर इज डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट क्लोरोप्लास्ट एंड अदर ऑर्गेनेल्स, बट इट हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, राइट. एंड देन प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ट. अगर मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊं, सो दिस इज फ्रॉन्ट, दिस इज टाइप एंड दिस इज होल्ड फास्ट. ये है होल्ड फास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ट. ये पहले बना लो. This is typical brown algae. Hold fast. बना लो ये जल्दी से brown algae में. Stipe and frond. ठीक है जी, ये typical brown algae है. लेमिनेरिया, इसका क्या नाम है, लेमिनेरिया. ठीक है जी, तो होल्ड फास्ट का क्या फंक्शन है, फॉर अटैचमेंट. ये जहां पर भी रह रहे हैं उसके सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट. स्टाइप है स्टॉक और जो फ्रॉन्ड है इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर which is photosynthetic. उसके बाद सी कैल्प्स में बेटा क्या प्रेजेंट है, एयर वेसिकल्स प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी एल्गी है. ठीक है, उनका वेट बहुत ज्यादा है, तो वो अगर उनमें एयर वेसिकल्स ना हो तो वो डूब के वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगी और मर जाएंगी. ठीक, तो ये सीधी खड़ी रहती है और थोड़ा थोड़ा फ्लोट भी कर लेती है. तो लार्ज फॉर्म्स या सी कैल्प्स have air vesicles for buoyancy, right? उसके बाद sea kelps मैंने क्या बताया, large brown algae. इनमें xylem phloem तो है नहीं, but sea kelps में large brown algae में trumpet hyphae है. Trumpet आपको पता है जो शादियों में बजाते नहीं है, trumpet ऐसे करके बिगुल सी जिसको हम कहते हैं. ठीक है, यहाँ से भी खुली है बजा रहे हैं और दूसरे एंड से भी खुली है, that is trumpet. So it has trumpet hyphae for the conduction of food. Vegetative reproduction obviously badi badi forms hai, leafy forms hai, by fragmentation. Asexual reproduction kiski help se hai, motile zoospores ki help se. Zoospores aap yahan dekh rahe ho pear shaped hai, but do flagella unequal hai, ek chota hai ek bada hai, isliye hum isko kya bolte hai, heterocontous flagella. ठीक है, और ये कैसे अटैच है, लेटरल साइड पे, ऊपर नहीं, एपिकल नहीं है. एपिकल क्या होता है, एपिकल ये होता है, बट यहाँ पे एपिकल फ्लैजेला नहीं है, फ्लैजेला जो है वो अनइक्वल है और लेटरली अटैच है, साइड्स में अटैच है. पहले ये लिखो और फिर मैं तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताऊंगी. पहले राइट डाउन फर्स्ट दीज पॉइंट. Sexual reproduction. Sexual reproduction in brown algae, it can be isogamous, anisogamous, oogamous. Isogamous या anisogamous होगी तो fertilization in water, external fertilization. Whereas oogamous, it occurs internally, internal fertilization. Oogamous की example एक आ जाती है fucus. ठीक है, उसके बाद जैसा मैंने पहले भी बताया था दोबारा से, जो मोटाइल गैमीट्स है, चाहे मेल गैमीट है चाहे फीमेल गैमीट है, वो क्या है, बायफ्लैजिलेटेड है और फ्लैजेला लेटरली अटैच्ड है दोनों साइड पे. ठीक है, दो अनइक्वल हेट्रोकॉन्टस फ्लैजिलेशन है एंड दीज आर लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला. ठीक है, लिख लो फटाफट. Laminaria we had drawn. This is
ये जो है दिस इज फ्यूकस और ये है डिक्टियोटा. हर हर जगह इट इज डिवाइडिंग इनटू टू. ठीक है, इसके दो ब्रांचेस, यहाँ से डिवीजन है दो ब्रांचेस, यहाँ से डिवीजन है दो ब्रांचेस. हर जगह से डायकोटोमी है. डायकोटोमी मीन्स ईच एट ईच प्लेस इट डिवाइड्स इनटू टू, देन टू, देन टू, देन टू, ये फैलता है. दिस इज डिक्टियोटा. ठीक है, बना लो जरा जल्दी से. नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल. ब्राउन एल्गी में तीन टाइप की लाइफ साइकिल्स होती है, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक. हैप्लोन्टिक में क्या है, फॉर एग्जांपल लैमिनेरिया, यहाँ पे हैप्लोइड एल्गी डोमिनेंट है. डिप्लोइड स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट ओनली. उसके बाद फ्यूकस, फ्यूकस में डिप्लोन्टिक है क्योंकि मेन एल्गी क्या है, डिप्लोइड. हैप्लोइड क्या है, सिर्फ गैमेट्स, बाकी देखोगे डिप्लोइड है. हैप्लोडिप्लोन्टिक का मतलब है बोथ वेल डेवलप्ड हैप्लोइड एंड डिप्लोइड स्टेजेस आर प्रेजेंट. सिर्फ इतना पता होना चाहिए, बाकी हमने लाइफ साइकिल इसकी नहीं करनी. बोथ हैप्लोइड एंड एंड टू एंड स्टेजेस आर वेल डेवलप्ड एंड इट इज प्रेजेंटिंग एक्टोकार्पस. ठीक है, करो फिर फटाफट से बना लो. सो जल्दी से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वैसे हमने लिखी भी हुई है ब्राउन एल्गी की, दोबारा से लिख भी लो. सम ऑफ द ब्राउन एल्गी आर एडिबल. सम ऑफ द ब्राउन एल्गी आर एडिबल सच एज लैमिनेरिया, अलेरिया एटसेट्रा. लैमिनेरिया, अलेरिया एटसेट्रा. नेक्स्ट आ जाते हैं ब्राउन एल्गी सच एज फ्यूकस. ब्राउन एल्गी सच एज फ्यूकस इज द रिच सोर्स ऑफ आयोडीन. इज ए रिच सोर्स ऑफ आयोडीन. देन ब्राउन एल्गी सच एज मैक्रोसिस्टिस. Such as Necrocystis, Mediocystis, etc. yields a colloid algae, बहुत सारा algae, which is used as emulsifying agent. In confectionery ice creams etc. emulsifying agent मैंने बताया था, गांठे नहीं पड़ने देता, smooth करता है, right? So this is the economic importance of brown algae. नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेड एल्गी. रोडोफाइसी. रेड एल्गी दैट इज रोडोफाइसी. एग्जाम्पल है पोर्फायरा, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, बट्रेकोस्पर्मम, लिमेनिया एक्सेट्रा.
These are some of the red entries. ठीक है जी. तो ये जो है फीचर्स क्या है इसके, दे आर मेनली मैरीन एक्सेप्ट या खुद लिख लेना बट्रैकोस्पर्मम एंड लिमेनिया विच आर फ्रेश वॉटर. बट्रैकोस्पर्मम एंड लिमेनिया विच आर फ्रेश वॉटर. दे प्रेफर शेलो वॉर्म वॉटर सीज ओशंस कह लीजिए, बहुत डीप ना हो और जिसमें गर्म पानी थोड़ा सा ठंडे ना हो फ्रोजन ना हो. प्रेफर शेलो वॉर्म वॉटर ओशन. सम रेड एल्गी लिव नियर सरफेस, कुछ सरफेस के पास जहां पे लाइट आ रही है. एंड सम आर बॉटम ड्वेलर्स, जो बहुत नीचे रहते. सम आर बॉटम ड्वेलर्स. रेड एल्गी हैज, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से हैं, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी एंड फाइकोएरिथ्रिन. जो फाइकोएरिथ्रिन है गिव्स रेड कलर टू एल्गी. और दूसरा क्या है, हेल्प्स इन फोटो अडैप्टेशन. फोटो अडैप्टेशन का क्या मतलब है बेटा, कि ये जो बहुत डीप ओशंस में एल्गी है वहां पर भी डीप ओशंस में जहां पे बहुत कम लाइट पहुंचती है ये उस थोड़ी सी लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. That is absorb few light radiations reaching at the bottom of oceans. उसे भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं. पहले एक बार सुन लो फिर लिखना. एक्सेप्ट फ्रेश वॉटर एल्गी, फ्रेश वॉटर रेड एल्गी. जो फ्रेश वॉटर रेड एल्गी है बट्रैकोस्पर्मम एंड लिमेनिया, दे आर कलरलेस, लैक फाइकोएरिथ्रिन. आपने पूरा लिखना है, लैक फाइकोएरिथ्रिन बट हैज क्लोरोफिल ए एंड बी. कलरलेस मीन्स रेड नहीं है, ठीक है. फाइकोएरिथ्रिन नहीं है इसलिए रेड नहीं है, अदरवाइज ए एंड बी तो है. बिकॉज they live near surface, वो ऊपर ही है, उन्हें नीचे जरूरत ही नहीं है जाने की. और वो ऊपर है इसलिए लाइट उनको सफिशियंट मिल रही है. फाइकोएरिथ्रिन जो बहुत ओशन में बहुत डीप रहते हैं उनमें फाइकोएरिथ्रिन होती है. इज इट ओके, ठीक है. इसलिए ये बट्रैकोस्पर्मम एंड लिमेनिया जो है वो कलरलेस है.
क्योंकि सरफेस वाटर्स पे वो रह गए। ठीक है जी। अनदर इज रिजर्व फूड। रिजर्व फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च। रिजर्व फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल। Has cellulose surrounded by gelatinous sheath of alginic acid. ये भी एक phytocolloid है। ठीक है, पहले ये लिखो, पहले ये मुझे बताओ कि इधर वाला आपने लिख लिया। हैव यू डन दिस? बताया करो, यस और नो? यस मैम। ठीक है, सबने? यस मैम। चलिए मैम, जो मेनली मरीन एक्सेप्ट Batrachospermum and Limania, which are fresh water. तो यहाँ पे लिख लीजिए in some red algae, the cell wall has deposition of calcium carbonate. Calcium carbonate, and after death, this calcium carbonate changes into limestone, and helps in formation of coral reefs. REFS मैं बताऊंगी अभी कोरल रीफ्स क्या होते हैं, एनिमेलिया में आएगा, उसमें बताएंगे। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल स्पोर्स एब्सेंट। रेड एल्गी में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होती है, बट स्पोर्स आर नॉन फ्लैजिनेटेड एंड नॉन मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओओगैमस, गैमेट्स नॉन मोटाइल। कॉम्प्लेक्स पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करने वाली बात है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट। देर इज वन एल्गी दैट इज हार्वियला, रेड एल्गी है। ये कलरलेस है बिकॉज इट इज पैरासिटिक, इसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। इट इज कलरलेस एंड इट इज पैरासिटिक, which lives on other large red algae, that is Harveyella. ये parasitic है on other red algae only. Ma'am. हाँ जी. Ma'am, complex post-zygotic development कहाँ पर क्या है? See, there is red algae has complex post-zygotic development. Zygote के बाद, ये नहीं कि zygote बना, meiosis हुई और काम हो गया, ऐसा नहीं है. ठीक है? तो यहाँ पे कम्प्लेक्स पोस्ट जाइगोटिक है, जाइगोट बनने के बाद कई स्पोर्स बनते हैं, फिर जाके नई एल्गी बनती है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, हार्वियला का लिख लो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी। नेक्स्ट आ जाइए, मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में फर्स्ट आ जाइए पोरफायरा। पोरफायरा रूडीमेनिया, पोरफायरा रूडीमेनिया आर यूज्ड एज एनिमल फॉडर।
एनिमल फॉडर. नेक्स्ट है रेड एल्गी इज द सोर्स ऑफ ब्रोमीन. रेड एल्गी इज द सोर्स ऑफ ब्रोमीन. नेक्स्ट है एगेरोफाइट्स सच एज जिलीडियम ग्रैसिलेरिया, इनको क्या बोलते हैं एगेरोफाइट्स. क्यों यील्ड एगर एगर yields agar agar which is used for solidification of culture medium, which is used for solidification of culture medium. Another is carrageenan. It is also a phycocolloid. Clearing agent. It acts as the clearing agent in liquors. Jo hard drinks hai. And as an emulsifier. It is obtained from red algae, Chondrus crispus. It is obtained from red algae, Chondrus crispus. जिसको कई बार हम commonly बोल देते हैं आइसलैंड मॉस. है मॉस नहीं है ये, है तो ये रेड एल्गी है, बट इट इज कॉमनली कॉल्ड एज आइसलैंड मॉस. दिस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी. ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट एल्गी. देखो जरा अगर कुछ पूछना है तो पूछो. आपने नाइन्थ में किया होगा. दीज आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी. व्हाई एम्फीबियंस? बिकॉज दे रिक्वायर वॉटर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. आई विल टेल यू व्हाई. बट चले फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फ्यूमेरिया, जिसको हम कहते हैं कॉर्ड मॉस. इसमें क्या है, लीफी प्लांट बॉडी है बट इट हैज नो ट्रू रूट स्टेम लीव्स. ट्रू रूट स्टेम लीव्स क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, दूसरी जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है. कैसे? देखो जरा ध्यान से देखना. ये इसके राइजोइड्स है, रूट्स नहीं हम इसको कहेंगे. दीज आर राइजोइड्स. ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ब्रांचेस भी है. यहां पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है. इस तरह से ये लीफ लाइक, लीव्स नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. यहां पे बेटा फीमेल रिसेप्टिकल है, दिस इज मेल रिसेप्टिकल.
रिसेप्टिकल क्या है? दिस इज ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन. एंथ्रीडिया क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन. और फीमेल रिसेप्टिकल क्या है? ग्रुप ऑफ आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन. अगर हम देखेंगे तो आर्किगोनिया जो है इट इज फ्लास्क शेप. Has a very long neck. ये लिड है, ये इसकी वॉल है या जैकेट है. This is the jacket around. This is neck. This is ventre. इसके अंदर सिक्स टू टेन नेक कैनाल सेल्स है. वेंटर के अंदर क्या है? एक छोटा सा, आपने पूरा लिखना है वेंटर कैनाल सेल. और एक बहुत बड़ा, दिस इज एग या फिर ओस्पियर. दूसरा मैंने क्या बताया? एंथ्रीडिया है. This is Enthridia. ये stalk है और ये Enthridia की jacket है. It has many motile gametes, flagellated gametes. Spirally coiled, बहुत सारे. These are male gametes. This is Enthridia archegonia. ठीक है, रेनी सीजन में इनकी फर्टिलाइजेशन होती है. ये लिड खुल गई, ये सारे सेल डीजेनरेट कर गए, ये एग बचा हुआ है. ये तो जैकेट है. एंथ्रीडिया टूट गया, मेल गैमेट्स दे आर लिबरेटेड आउटसाइड. These move in water, they swim in water, and they enter inside Archegonia. Because they are motile, they require water at the time of fertilization.
therefore bryophytes are amphibious plants. ठीक है, they require water at some stage of life cycle. Fertilization. ये क्या बन गया, 2N zygote. And then it develops into embryo. Develops into embryo. And then into this embryo develops into sporophyte. ये सब कहां पे हो रहा है, इस वाली ब्रांच में, फीमेल रिसेप्टिकल पे हो रहा है. तो अगर हम देखें, मेल रिसेप्टिकल तो खत्म हो गया और अब फीमेल रिसेप्टिकल पे क्या अटैच्ड है, स्पोरोफाइट. और स्पोरोफाइट में क्या, फुट सीटा एंड कैप्सूल. ये मैंने आपको जो दिखाई थी फोटोग्राफ्स उसमें ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा था. ठीक है, तो ये क्या स्पोरोफाइट है, फुट सीटा कैप्स्यूल. आप देख रहे हो ये जो ब्लैक कलर का है, ये सारा the black colored structure is whole gametophyte and this red colored is sporophyte. ye jo hai ye hai n haploid hai, jabki ye kya hai, ye hai 2n sporophyte hai. theek hai, कैप्स्यूल में क्या प्रेजेंट है, स्पोर मदर सेल्स. ठीक है, ये है 2N. इसमें क्या हुई, मियोसिस हुई, क्या बने, N स्पोर्स बन गए. फिर गैमेटोफाइट आ गया, स्पोरोफाइट मियोसिस के बाद फिर गैमेटोफाइट आ गया. स्पोर्स ने जर्मिनेट किया और क्या बनाया, फिलामेंटस प्रोटोनिमा. जैसे एल्गी होती है ना फिलामेंटस, ये बना प्रोटोनिमा. और फिर प्रोटोनिमा में क्या बनी, बर्ड्स बने. और बर्ड्स ने जर्मिनेट किया और क्या बना दिया, डोमिनेंट फ्यूनेरिया. ये जो फ्यूनेरिया है ये बना दिया. तो आप क्या देख रहे हो कि स्पोर्स मियोसिस से लेके, अगर हम ये देखें मियोसिस से फर्टिलाइजेशन तक, तो ये है हैप्लोइड फेस, गैमेटोफिटिक फेस, और ये सारा आप चला जाता है डिप्लोइड फेस. आप थोड़ा सा बड़ा बना लेना ताकि पूरी साइकिल सी बन जाए. सो इट हैज हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल. हैप्लोइड फेस भी है, डिप्लोइड भी है. बनाओ जरा जल्दी से. So students, this is for today.
ठीक है, इसके बारे में हम आगे जो है ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय.